टीकमगढ़ के शिक्षक संजय जैन को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पहले संजय को राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए संजय जैन दिन रात मेहनत करते हैं। कहते हैं कि शिक्षक ही भविष्य का निर्माता होता है। उससे प्राप्त शिक्षा से छात्र विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आयाम हासिल करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक संजय जैन को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। ये सम्मान वेबिनार के माध्यम से दिया गया। संजय जैन के द्वारा जो काम बच्चों और स्कूल के लिए किया गया है वह अन्य शिक्षकों के लिए एक मिसाल है। एक आदर्श शिक्षक कैसे बने ये संजय जैन ने साबित किया है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में प्राथमिक पाठशाला डोडा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करवाया। गौरतलब है कि शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश से दो शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। संजय जैन को पूर्व में भी राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। संजय जैन ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पास भौतिक सुविधाएं हों। शिक्षक चाहे तो बच्चे को अपने आसपास होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों से भी शिक्षित कर सकता है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से दो लोग हैं और पूरे आल भारत से 47। आप बता पाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे? क्योंकि जब मैं उस विद्यालय में 2008 में पहुँचा तो वहाँ बच्चों की उपस्थिति बहुत शून्य रहती थी, गुणवत्ता भी बहुत नहीं रहती थी और बाउंड्री वाल टूटी हुई, ग्राउंड में बहुत बड़े खड्डे घंटी के आकार में हुआ करती थी, फाटक टूटे हुए, तो बड़ी वेदना होती थी। तभी किसी महापुरुष की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने उन्हीं पंक्तियों से प्रेरणा लेकर तो मैंने पूरी योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई और उस योजना में मैंने ग्राम के अभिभावकों के बच्चों के अभिभावकों के घर घर जाकर उनको समझाया, बच्चों को समझाया। विद्यालय में शाला प्रबंध समिति की मीटिंग आयोजित की और शासन के जो मिलवासी मध्य प्रदेश हुआ या बधवा पर्व हुआ, इन कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया। इससे ग्रामवासियों में जागरूकता आई और धीरे धीरे वो हमारे विद्यालय की ओर आकर्षित हुई। जब वो आकर्षित होने लगे तो हमने तरह तरह के नवाचार बच्चों के लिए किए ताकि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए और बच्चे करके सीखें। इसके लिए मैंने लगभग 80 प्रकार के नवाचारों से विद्यालय में बच्चों को अध्यापन कराना शुरू किया। उसके तहत सबसे महत्वपूर्ण एक पाषाण नवाचार मैंने विद्यालय में किया। हमारे विद्यालय के अगल बगल में जो पत्थर निकले हुए थे उनको पेंट करवा कर उन पर माह के नाम, सप्ताह के नाम, दिनों के नाम, वर्णमाला, गिनती, पहाड़ा, गणित संक्रियाएँ आदि पूरी अंकित करवाई, जिससे बच्चे मध्यांतर में जब क्लास से बाहर आए तो उनको उसी सामग्री पर नज़र पड़े, शैक्षणिक सामग्री पर, जिससे वो उनके दिमाग में चिरस्थायी रूप से अंकित हो जाए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।